जय सुम्बोल। जैसे कि मेरा गेटअप देख के आप लोगों को पता तो नहीं चला होगा, लेकिन अभी मैं आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बोरहोला। बोरहोला में पोइलिंग चल रहा है। जैसे कि मैं बूढ़ीस हूँ तो आप लोगों को मैं बताऊँगी इसका मतलब क्या होता है, आप लोग देखते जाइए। माई डियर मैम मम्मी, अभी मेरे आवा गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं जाने में। अभी हम लोग बोरहोला जाएंगे तो वहाँ पे पोइलिंग है। पोइलिंग का मतलब होता है कि बोरहोला गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। जैसे कि पोइलिंग का मतलब होता है जब भी हमारे बुद्धिस्ट में बड़े कोई मोंग एक्सपायर्ड होता है तो उसकी बॉडी को मतलब रख के मम्मी की तरह बनाता है उसको, रख के आफ्टर सिक्स मंथ या वन ईयर के बाद वो पोइलिंग बोलते हैं। इट्स लाइक वन ऑफ लाइक फेस्टिवल जैसे ही होता है। पोभा जैसे कि पोए मतलब पोभा के जो 3 दिन का होता है, ये पोए 3 दिन का होता है, 3 डेज के बाद उसको जला देता है। जैसे कि मेरे पापा ने बताया আমি সকলোৱে ডোনেশন 10,000 পাৰে 20,000 30,000 কৰবা লাখ দিব পাৰে ডোনেট কৰি তাত সেইটো সেই গাঁৱক মানে আমি দি দিওঁ টকাটো। ইয়াৰ পিছত সেই গাঁৱৰ ৰাইজে সেইটো পইটো পাতে। এনেকুৱা আমাৰ কমিটি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেই টকাখিনি উঠাই তাৰ ৰদ এটা বনা হয়। আৰু আমাৰ 3 দিনীয়া দিনা প্ৰথম দিনাই তাৰ ডেড বডিটো নমাব, সেইটো শুকাই থোৱাটো। তাৰ ডেড বডিটো নমাই সেইটো ৰথত উঠাব, সেইটো এতিয়া তাক টানিব প্ৰচেচন কৰিব 2 দিন 3 দিন 3 দিনীয়া দিনা লাষ্টত জ্বলাই মেলি তাত পূজাত কবৰ দিব। তাত এটা কংগু বনাই দিয়ে, ঘাট বুলি কয় আমাৰ ফালে ঘাট, এতিয়া পৈলেং। আৰু এই পৈলেংটো এনেকুৱা বস্তু হয় এইটো চবে নাপায়। এইটো বোলে যোনে 7টা পায় ন, এতিয়া সেই বহুত তাৰ পুণ্য হয়, তাৰ কিছুমান বহুত ধৰ্ম কিছুমান পাপ কাম কৰাবিলাক পুণ্য হয়। 7টা পাবলৈ হ'লে 7টা মং তেনেকুৱা মৰিব হ'লে 100 বছৰ লাগিব পাৰে, 50 বছৰ লাগিব পাৰে, 10 বছৰ লাগিব পাৰে, আৰু কোনো গ্ৰান্টি নাই। তেনেহ'লে এটা মেমে আৰু আমাক কেইটা পৈ পালি ধৰি, আমি মইতোটো 8টা 9টা হ'ল, 9টা পালি আৰু মেমে 3টা পাইছে। মোৰ এইটো লগত 2টা হ'ব, এইটো লগত মোৰ 2টা সৰু ৰুমত পাইছিলোঁ নেকি। ৱাও, আই ফিল সো লাকি। সো মই বহুত লাকি হ'ব লাগিব, বাট মই 2বাৰ পাইছোঁ বুলি কৈছে। চ' আৰু মোৰ বাকী আছে কেইটা, বাকী আছে 3, 4, 5টামান বাকী আছে আৰু, মোৰ 5টা বাকী আছে। মই 5টা যদি পাই যাওঁ মোৰ 7টা হৈ যাব। চ' ইচিলে মানে এক্সপ্লেইনটো কিয়া মেৰে পাপা নে আজি তাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া আপোনালোক কো। বইলিং কা মতলব এই হতা হ'য়, বহুত বড়া ইয়ে ফেষ্টিভেল হতা হ'য়। আৰু আমাৰ ইমান ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আহিব, অৰুণাচল পৰা অল ইণ্ডিয়া সব ইয়াত আহিব, অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিব। তো মেৰে পাপা বোল ৰহে কি অল ইণ্ডিয়া সে ইয়াহ পে के लोग आएगा, प्रे करेगा, तो इसलिए दिखाएंगे आप लोगों को। देखते जाइए कैसा होता है क्या नहीं। তো ফাইনেলি
हम अभी पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन में, तो अभी देखिए चलते हैं अंदर में, आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या है। अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर में आ गए हैं। मोनेस्ट्री मतलब चौंग बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो यहाँ पे थोड़ा प्रे कर लेंगे। और ये है मनी डोनेशन ट्री, इसे पेटेसा बुलाता है, विशिंग ट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग डोनेट करता है, जितना भी आप कर सकते हो मन चाहे। इसके बाद यहाँ पे ताय करते हैं इसे, ये मेरे भाई हैं, ताय कर रहे हैं। यही चोचरा का डेथ हुआ है तो इसका ही आज बॉइलिंग है। यही वो रोड है जहाँ पे वो चोचरा का बॉडी रखता है। तो अभी हम थोड़ा खाना खाने के लिए जा रहे हैं और ये है मेरे बहन प्रियंका। तो यहाँ पे सेल्फ सिस्टम चल रहा है, इतना अच्छे से दे रहे हैं। बहुत टेस्टी था खाना, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा था, अच्छा लगा खा के। तो वो जो रोथ है उस पर ये रस्सी जो लगाया हुआ है, यहाँ पे टाकओवर जैसा कंपटीशन ऐसा चलता है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से अच्छा है बोलते हैं, तो इसीलिए सब लोग यहाँ पे ऐसे भाग लेते हैं। ये जो टाकओवर कंपटीशन चल रहा है, मैंने भी यहाँ पे भाग लिया था, तो फाइनली जीत गए हम लोग, अच्छा लग रहा है, जीतने से अच्छा लगता है। तो गई गए ब्लॉग बनाया, हाय को आपू उम्र आपू हाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी हम लोग थोड़ा घूम लेंगे, उसके बाद चाहिए। और ये है मेरा दादा, दादा ही शर्म करते हैं, वीडियो में भी नहीं निकलते। यहाँ पर है ब्लॉगर, यहाँ पर ये ट्रेडिशनल चीज भी था, यहाँ पे इसलिए आइए थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा घूम के हम लोग घर चले जाएंगे। एंड हियर इज माय डियर सिस नांगजी टोंगरा अपि, भल लगिले लोग पालो हेंडक। तो यहाँ पर है मुनखम भाई बोलिए, देखो ये खरीद लिया उन लोगों ने, बहुत खुश है। मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा, मैं अभी खरीदने वाली हूँ। यू ऑल कैन ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑन गोइंग आवर मंदिर प्रोसेस। अभी मैं जाने वाली हूँ, तो इसीलिए इन लोगों को बाय बाय दे रही हूँ। ये डे 3 रोड चलाने के वक्त का वीडियो है। ये क्लिप मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, क्योंकि उस दिन तो मैं नहीं गई थी। तो इसलिए अगर मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जितने हो सके आप लोगों को बताने की कोशिश की व्हाट इज स्पॉइलिंग, तो इसलिए अगर कुछ भूल हुआ हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड ऑलवेज कीप वॉचिंग माई चैनल।